friends my name is Puneet Kumar I am from Jaipur Rajasthan recently I got recommended for TGC 132 in my 7th attempt from 14 SSB Alawad so this was my third conference I got four times screen out and two times conference out and this was my third attempt and I got recommended in this and uh, I will be sharing my experience in next 10 to 12 minutes and I'll divide my experience into four parts that is before during and after lecture, and the fourth part being my SSB experience

आई वॉज आई डेंट वो ज्वाइन एनी अकेडमी एट दट पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि मैंने पहले भी एक अकेडमी ज्वाइन की थी आई डोंट वॉन्ट टू नेम इट बट उस अकेडमी से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ वहाँ से सिर्फ उनकी रटी रटाई चीज़ें मेरे अंदर फीड हो चुकी थी और वो मुझे लगता था यही एस एस बी देख रही है बट लॉजिकली uh, जब मैंने सोचा तो मुझे पता लगा कि यार रटी हुई चीज़ें कैसी किसी को हेल्प कर सकती है वो किसी और की पर्सनैलिटी है हाउ वुड इट हेल्प मी सो so, मैंने अकेडमी कोई मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था इनिशियली कोई भी एकेडमी आफ्टर दैट बैड एक्सपीरियंस बट मेरा एक फ्रेंड है दीपक ही रिसेंटली ट्वाइस एंड फॉर हिज आई एम ए एंट्री आई एम ए सो मैंने उससे बात की उसने बताया कि ये अकेडमी सिर्फ अकेडमी नहीं है एक तरीके का गाइडेंस है जो आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहा है लाइफ में जो लीडरशिप स्किल्स है उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है तो तुझे जानना चाहिए एक बार ट्राई कर है ना वो उसका खुद का एक्सपीरियंस था पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ तो मैं लक्ष्य अकेडमी चला गया फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी में फ्रॉम सेकंड फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी वहाँ पे मैंने लक्ष्य अकेडमी गया तो युदी सर से इंटरेक्शन हुआ तो पहले दिन युदी सर ने मुझे बहुत डांटा मतलब बहुत ज्यादा डांट दिया बट मैंने वो डांट झेल ली थी अगर मैं नहीं झेल पाता मैं डांट डांटता पहले दिन अकेडमी से बाहर हो जाता सर ने मुझे डांटा था काफी डांटा था बट सर ने मुझे उस डांट में भी एक चीज मुझे बोला कि पुनीत मैं तुझे अकेडमी में इसलिए आने दे रहा हूं क्योंकि तू इतने तगड़े प्रेशर को झेल गया तू इतने प्रेशर को जो तू झेला है और उसके बाद में तूने जो अपनी गलती मानी है इस वजह से मैं तुझे अलाउ कर रहा हूं अनलेस मैं तुझे अलाउ नहीं करता अकेडमी में आने के लिए तो मैंने बोला ओके थैंक यू सर उसके बाद में लक्ष्य का एक्सपीरियंस कैसा रहा हूँ मेरा वो मैं बताता हूँ तो लक्ष्य में बेसिकली मुझे लगा था कि मेरी प्रीवियस कोचिंग की तरह यहाँ पे भी मुझे नोट्स दिए जाएंगे मुझे बोला जाएगा एस में ऐसे करना है एस में वैसे करना है एस ये देख रही है वो देख रही है बट दैट वॉज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस इन लक्ष्य अकाडमी क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था हमें कोई नोट्स नहीं दिए गए हमें कुछ नहीं दिया गया सिर्फ दिमाग लगाना सिखाया गया वो दिमाग कैसे लगाना है क्योंकि बाकी सब बात करते हैं कि भाई लीडरशिप स्किल्स देखी जा रही है लेकिन अगर हम में लीडरशिप स्किल्स होती एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई प्रीवियस तो मैं पहले ही सिलेक्ट हो चुका होता बट नहीं थी तो दैट थिंग कैन बी रिक्वायर्ड है ना बेसिक थिंग्स कैन बी एक्वायर्ड तो वो चीज़ कैसे एक्वायर करनी है अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स अपने अंदर कैसे डेवलप करनी है क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ना हमें कभी सिखाई गई फॉर्टीज लीडरशिप स्किल्स तो हमें बचपन से नहीं पता है क्या होती है क्या नहीं होती क्या है तो लक्ष्य में वही सिखाया जाएगा कि लीडरशिप स्किल्स क्या है तो वहाँ पे हमें फाइव पॉइंट परसेप्शन सिखाया गया रोल प्ले ब्रेन कनेक्टिविटी क्यूरोसिटी जिसका हमने एवेवेसन बना रखा है फाइव वी आर सी सी फाइव बी आर सी सी कोई भी मुझसे आजकल पूछते हैं बहुत लोग कि वही क्या टेप एंड ट्रिक्स हैं एस एस बी क्लियर करने ये बोल देता हूँ फाइव बी आर सी सी इज द की वही टेप है वही ट्रिक है वो कर लो सब हो जाएगा उसके अलावा मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूंगा लक्ष्य अकेडमी में क्या होता है कि वहां पे बंदे बहुत ज्यादा नहीं आते हैं क्योंकि कोचिंग अकेडमी में चालीस पचास बंदे हैं एक बैच में तो कोई बंदा अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाता है और वो असेसर जो होते हैं हमारे कोचिंग टीचर्स होते हैं सर हो गए और बाकी टीचर्स जो है उनकी नजरों में नहीं आ पाता बट लक्ष्य अकेडमी में इंडिविजुअली हर एक बच्चे को पता रहता है हर टीचर को कि बंदा कैसा है ये बच्चा कैसा है इसमें कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है कितना क्या है और वो फ्रेंकली आपको बता दिया जाता है कि ये तू इस लेवल पे नहीं सलेक्ट हो सकता या फिर तू हो सकता है या फिर तू बॉर्डर लाइन पर है तो ये है दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा तीसरा पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि हमारी कोचिंग होती थी नाइन टू फाइव बट आफ्टर फाइव ओ क्लॉक भी हमें यूदीवीसी ने परमिशन दे रखी थी हम वहाँ पर रुक सकते हैं जो हमें तैयारी करनी है वो कर सकते हैं कि कौन करता है कोई कोचिंग वाला नहीं करता कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको अगर फीस मिल चुकी है तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि बच्चे पाँच बजे के बाद में क्या कर रहे हैं बट हमें परमिशन थी पाँच बजे के बाद में भी हम अकेडमी में बैठ सकते थे वहाँ पे कुछ भी करना था हम कुछ भी कर सकते थे और ये चीज़ मुझे लगा दैट वॉज वेरी टचिंग फॉर मी बिकॉज ये युद्धवी सर जो है हमारे लिए एक फ़ादरली फिगर है अकेडमी में मतलब इतना जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो कोई किसी के लिए नहीं करता कोई किसी के लिए नहीं करता नेक्स्ट थिंग मैं जो बोलना चाहूँगा कि हमारे हम जब कोचिंग ख़त्म होने के बाद में हॉस्टल में चले जाते थे पीजी जो है हमारा एकेडमी का एक पीजी है तो उस पीजी में भी सर शाम को आ जाते थे कभी कभी कि आ, कि बच्चे कर क्या रहे हैं बच्चों का रहना सहना क्या है वहाँ पे आके हमसे ग्रुप डिस्कशन करवाया सर ने यार किसी को किसी एक टीचर को क्या फ़र्क पड़ता है कि आप बंदे अपने हॉस्टल में जाके क्या कर रहे हो तो सर ने जो सर बोलते हैं ना कि मुझे तुम्हारी लाइफ में इंप्रूवमेंट करवाना है वो सर ने रियल में करवाया है तब जाके उनको फ़र्क पड़ता है कि बच्चे यहाँ अकेडमी के बाद में क्या कर रहे हैं लाइफ में क्या कर रहे हैं तो वो देखते थे हमारे रूम को आके देखते थे कि भाई कैसे रह रहा है वो मेरे रूम को आके देखते थे कि यार पुनीत तूने क्या हालत बना रखी है देख इसको सही कर उसको सही कर स्टेटस चेंज कर स्टेटस चेंज कर यही लीडरशिप स्किल्स है वॉट इज लीडरशिप स्किल्स अगर आप अपने स्टेटस को चेंज करना चाह रहे हो, हो ना इम्प्रूव होना चाह रहे हो कंटिन्यूसली तो वही है स्टेटस चेंज और वही है लीडरशिप और वो आपने अगर लाइफ में कर ली है तो वो आपको आ, कोई नहीं रोक सकता एस एस बी तो बहुत छोटी चीज़ है आपको लाइफ में कोई नहीं रोक सकता कोई भी नहीं रोक सकता ठीक है नेक्स्ट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि अकेडमी में इतना सही माहौल मिलेगा आपको इतना इतने हेल्पफुल बंदे मिलेंगे इतना बंदे वो हैं कि आपको हर चीज में सपोर्ट किया जाएगा क्योंकि तो कुछ बंदे होता है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कॉन्फिडेंस उस लेवल पे नहीं होता बट एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं जो फैकल्टीज़ हैं वो इतने सही तरीके से आपको मोटिवेट करेंगे गाइड करेंगे तो आप लाइफ में बहुत इंप्रूव कर सकते हो हाँ जो मेरा पर्सनल फेवरेट जो मुझे लगता था वो मुझे लगता था रोल प्ले रोल प्ले वॉज माई फेवरेट बिकॉज मुझे लगता था ये ऐसी चीज़ जो मुझे पता लग चुकी अगर मैं ये करूँगा ना तो मुझे कोई नहीं रोक सकता लाइफ में सिर्फ एस की बात नहीं है मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आगे वाली लाइफ में क्योंकि अगर मैंने अपना रोल ही सुधार लिया हर जगह तो मैं मैं कोई कमियाँ बचेंगी ही नहीं मैं कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करता चाहूँगा इनहस करता चाहूँगा अपनी कैपेबिलिटीज़ को तो मुझे लगता था रोल प्ले एक ऐसा हथियार है एक ब्रह्मास्त्र है मेरे लिए एक रोल प्ले मेरे लिए एक मेरा ब्रह्मास्त्र था जिसके ऊपर मैंने बहुत काम किया मतलब अपने घर में काम करा अपने मैं बताऊँगा आगे एक्सपीरियंस में मैं क्या किया लक्ष्य के बाद में मैंने क्या किया तो ये चीज़ें मैंने लक्ष्य में सीखी तो मोर देन अ कोचिंग मुझे लगा कि लक्ष्य ने मेरी लाइफ एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज कर दी है मतलब मुझे पता था कि आई वॉज रेडी टू इम्प्रूव बट मुझे इतना नहीं पता था कि मैं इतना इम्प्रूव कर जाऊँगा अपनी लाइफ के अंदर और मैं इतना इस लेवल पर पहुँच जाऊँगा कि मेरे घर वाले मुझे इतना अप्रिशिएट करेंगे फ्रेंड्स इतना अप्रिशिएट करेंगे और ये सब चीज़ें मेरे साथ होंगी तो लक्ष्य के बाद में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और ये चीज एक चीज़ और हुई थी लक्ष्य में जैसे ही मैं जाने वाला था युद्धि सर ने मुझे बोला था कि मैंने बोला सर मेरा क्या फीडबैक है आपकी नज़रों में तो सर ने बोला यू आर अ वेरी हाई वॉडर लाइनर और एक चीज मैं बता दूं ये यदि सर की जो नज़रें हैं उनको सब पता है किस बंदे में कितना पोटेंशियल है कौन बंदे में कितनी कैपेबिलिटीज है कौन कितने है, पानी में तो उस चीज़ को जो भी आपको फीडबैक मिल रहा है और बहुत जेन्युइन फीडबैक मिलेगा आपको कोई झूठ नहीं अगर आप डिजर्व नहीं करते यदि सर नहीं बोलेंगे आप सेलेक्ट होने वाले हो अगर आपको वो उनको जो लगता है वही एकदम सच बात आपको बताई जाएगी और वो वो चीज़ है वो देखना और सुनना और इम्प्रूव करना उस चीज़ के ऊपर उसके अलावा युद्वी सर के अलावा कुलवंत सर कक्कड़ सर पिलई सर और आ, हमारे दूसरे इंटरव्यू और थे वो भी मुझे बहुत पसंद थे तो सारी फैकल्टीज बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी तो ये चीज़ें थी आफ्टर लक्ष्य मैंने क्या किया हम मैं आई एम एंट्री वन फोर नाइन में इलाहाबाद गया था मैं नाइनटीन एस एस बी तो तीन मार्च को मैं वहाँ से स्क्रीन आउट हो गया तो वो जो मेरे लाइफ का मोमेंट था सी डी एस एंट्री से स्क्रीन आउट होना दैट वॉज रियली डिवास्टेटिंग मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मेरी उस सी डी एस रिटर्न के लिए मैंने दिन में मिनिमम तीन घंटे पंद्रह पंद्रह घंटे पढ़ा था मैंने उस रिटर्न के लिए निकालने के लिए क्योंकि मेरा एनडीए कभी क्लियर नहीं हुआ था मेरे को ये था मुझे सी डी एस में निकालना है एनी हाउ मुझे क्लियर करना है कुछ भी नहीं कुछ भी मुझे क्लियर करना ही करना है तो मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी कि यार मेरा रिटर्न कैसे नहीं निकला बट उसके बाद में फिर मैं दो बार और स्क्रीन आउट हुआ तो इसमें यही एक्सपीरियंस है कि भाई लक्ष्य से करने से कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं है जब तक आप लाइफ में अपने गलतियों को नहीं सुधार रहे हो मेन वो आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है ठीक है बट मैंने अब लूज होप लूज़ नहीं करी और मैंने जो लॉकडाउन लग गया था तो लॉकडाउन में मैंने कैसे प्रैक्टिस करी है? मैं वो बताता हूँ लॉकडाउन में हमने क्या किया मैंने मेरे टाइम में मतलब पूरी फेबररी में जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे जो लक्ष्य में आए थे हम सब ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया लीडर्स फॉर लाइफ और उस ग्रुप में हम क्या करते थे हम रेगुलर प्रैक्टिस करते थे मतलब हम दिन का शेड्यूल बना रखा था हम सुबह दो घंटे पी पी प्रैक्टिस करेंगे पूरा एकदम जैसे में होता है वैसे ही उसी फॉर्मल तरीके से एकदम कोई मजाक कोई मस्ती कुछ नहीं उसके बाद में दो घंटे दोपहर में करेंगे कि वो करना है कभी जीपी डिस्कस करनी है शाम के टाइम में चार से छः हम जी करते थे हमने खुद का जी ग्राउंड बना लिया था मैंने खुद का जी ग्राउंड बना लिया था मैं रास्ते से वो अपना कीले वगैरह ले आया था छोटा फट्टा ले आया था एक बल्ली ले आया था छोटी पैन का कैप मेरी बल्ली थी उसके बाद पेंसिल जो होती थी वो मेरी बड़ी बल्ली थी तो मैंने अपना जी का सामान लाया अपने कीले ठोक के एक मिनी जी ग्राउंड बना लिया है ना तो उस जी टी ग्राउंड पर हम लिटरली गूगल मीट के थ्रू प्रैक्टिस करते थे उसके अलावा हमने बाकी शाम का एक शेड्यूल बना लिया कि शाम को आठ से दस हमें जी के डिस्कस करनी है उसके बाद में हमें ग्रुप डिस्कशन करना है उसके बाद में जो जो करंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं एक दूसरे से बात करनी है इसके अलावा हमने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में हम एक दूसरे का इंटरव्यू लेते थे, थे क्योंकि जो चीज़ सामने वाला मुझे फीडबैक दे सकता है जो मेरे लूज पॉइंट है जो मेरे ब्लाइंड स्पॉट है जिन्हें मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा मेरे फ्रेंड्स श्योरली उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा और मुझे बता देंगे कि भाई ये चीज़ तेरे में गलत है तेरी वीकनेस है इंप्रूव कर तो हमने ये किया तो स्टार्टिंग में क्या हुआ हमने ग्रुप तो बना लिया हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे बट धीरे धीरे बच्चे कम होते गए मतलब हमने स्टार्ट किया दस बारह जनों से फिर आठ हुए फिर उसके बाद धीरे धीरे सिर्फ पाँच बजे तो हमने पाँच जनों का एक सुपर फाइव ग्रुप बना लिया उस सुपर ग्रुप में हमने रेगुलर सात महीने हमने रेगुलर प्रैक्टिस करी है इस चीज की जो मैंने आपको स्केड्यूल बताया अभी वही स्केड्यूल हमने रेगुलर प्रैक्टिस करा और शियर डिटर्मिनेशन हार्डवर्क और ग्रुप की सपोर्ट की वजह से मुझे लगता है मैं रिकमेंड हुआ हूँ उस सुपर फाइव को इस रिकमेंडेशन का क्रेडिट मैं जरूर देना चाहूंगा कि उस वजह से मेरे को लगता है कि मैं रिकमेंड हुआ हूँ है ना बाकी चीजें भी है अकेडमी है लक्ष्य अकेडमी है वो वो भी उस, उसका तो मेजर पार्ट है ऑब्वियसली लक्ष्य अकेडमी की वजह से ही ये सब चीज पॉसिबल हुई है तो ये मैं क्रेडिट देना चाहूंगा सुपर फाइव को लक्ष्य अकेडमी को मेरे रिकमेंडेशन का उसके बाद में हमने सात महीने जब प्रैक्टिस करी तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार मुझे इतना पता था कि जितनी मेहनत मैंने कर ली है ना एस एस बी के रिगार्डिंग उतनी इतनी नहीं करा कोई मुझे नहीं लगता था किसी ने इतनी ज्यादा मेहनत करी सात महीने दस दस घंटे आठ आठ घंटे देना सिर्फ एस एस बी को ये तो आठ घंटे दस घंटे में बता रहा हूँ जो हमारी ग्रुप प्रैक्टिस होती थी ग्रुप के साथ जो मेरा इंट्रेक्शन था उसके अलावा पर्सनल लेवल पर जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था वो अलग थी वो मेरा खुद का जीके तैयार करना मेरे खुद की पर्सनलिटी में इंप्रूवमेंट करना रोल प्ले करना ये करना वो करना वो मेरी खुद का टाइम अलग से देता था ये आठ दस घंटे सिर्फ मेरी प्रैक्टिस के होते थे कि जो मेरे ग्रुप के साथ में प्रैक्टिस है वो तो ये चीज हुई मेरे साथ में लक्ष आ, आफ्टर लक्ष्य मैंने रेगुलर स्क्रीन एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ दो बार स्क्रीन आउट हुआ मैं है ना बट मैंने आ, वो नहीं छोड़ा कि भाई मुझे करना ही करना था मुझे पता था कि यार दिस और नथिंग मेरा था कि ये तो ये है या फिर कुछ भी नहीं मुझे करना ही करना है नो ऑप्शन लिफ्ट तो मैंने अपना सब कुछ छोक दिया था इस चीज में और मैंने ये सब चीजें अपनी फोर्थ ईयर के ड्यूरिंग कर ली थी और लॉकडाउन के पूरा यूटिलाइज कर लिया था मैंने लॉकडाउन को आई वाज वेरी हैप्पी कि भाई लोग दुखी थे लॉकडाउन लग गया मैं खुश था कि चलो लॉकडाउन लग गया मैं जो भी है मेरा प्रैक्टिस कर सकता हूँ मेरा ठीक है मैंने प्रैक्टिस करी उसके बाद में ये मेरा एक्सपीरियंस था उसके बाद में मैं रिसेंटली मैं ऑफ अक्टूबर को कपूरतला से एक कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो दैट वाज रियली डिवाड फॉर मी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी थी मैंने मेहनत की थी मैंने रोल प्ले किया था मैंने सब चीज़ अपने अंदर इंप्रूवमेंट की थी बट वो नहीं हो पाया सर्टेन थिंग्स मैंने एनालाइज करी कि आने के बाद में कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ उस चीज़ को मैंने देखा फिर इम्प्रूव किया और सिर्फ एक महीने के बाद में मैं टीजीसी एंट्री गया टी एंट्री गया वहाँ पे अलाहाबाद में और वहाँ पे मैंने अपना सी परफॉर्म किया तो जो मैं आई आई एम में स्क्रीन आउट हो रहा था और मैं टी में स्क्रीन हो गया तो स्क्रीनिंग की टेंशन मत लो जो भी होना है ना वो आपका अपना बेच दो और बाकी जो होगा वो अच्छा ही होगा आपके लिए ठीक है जहाँ पे आपको जाना है ना वहीं पर आप पहुँचोगे आप न टाइम से पहले ना टाइम के बाद में कोई सेलेक्शन किसी का नहीं होता है ठीक है तो उसके बाद में से भी एक्सपीरियंस ऐसा था मेरा कि साइकोलॉजी पार्ट मैम वेरी श्योर आई वाज वेरी श्योर साइकोलॉजी को लेके कि मुझे साइकोलॉजिस्ट मुझे कॉन्फिडेंट मुझे नहीं रिजेक्ट कर पाएगा क्योंकि मैंने अपने ऊपर इतना काम किया हुआ है मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है कि मुझे सारे घर वाले मेरे घर वाले खुश हैं मुझसे मेरे दोस्त खुश हैं मेरे रिलेटिव से वो खुश हैं मेरे जितने भी नोन्स हैं वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे नेचर को लेकर तो मेरे को साइकोलॉजिस्ट कैसे मुझे मना कर पाएगा मेरी साइकोलॉजी को लेकर आई वॉज वेरी श्योर अबाउट माई साइकोलॉजी और जी जो हुआ जी टी डे थ्री था हमारा तो जी टो डे थ्री मैं जैसे ही दे के आया तो मुझे पूरे ग्रुप ने बोल देते तू इस बार रिकमेंड हो रहा है तो वो क्यों बोला मुझे क्योंकि मैंने लक्ष्य की जो चीज़ें मैंने सीखी और जो लाइफ में जैसे इंसान हूँ असलियत में जैसे इंसान हूँ वही चीज मैंने वहाँ जाकर पोर्ट्रे करी उनको कुछ ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि मैं ऐसा बंदा हूँ ही नहीं, नहीं और वही मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ मैं जो असलियत में था और जो मैंने लक्ष्य से सीखा कि भाई दूसरों की कैसे हेल्प करनी है कैसे टास्क करने है डिटेल में जो आपको टास्क वगैरह के बारे में आप अकेडमी की वीडियो देख सकते हैं मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बस तो वो चीज़ करने के बाद में डे थ्री के बाद में सब बंदे मेरे ग्रुप के मुझे बोल दिए थे कि पुनी तेरा रिकमेंडेशन श्योर है इस बार तो मैंने फिर जी टी डे टू हुआ टू के बाद में मुझे कमांड टास्क मिला जिसमें जी सर ने मुझे बहुत ग्रिल करा बहुत ज़्यादा ग्रिल करा मेरे कमांड टास्क के दौरान मुझे जी के पूछे जा रही है टाइम डिस्टेंस मैथ ये वो मतलब बहुत ही हाई प्रेशर सिचुएशन में जी टास्क करते टाइम मेरी बल्ली टूट गई थी मेरा कमांड टास्क करते टाइम मेरी बल्ली टूट गई थी बट सर मैंने कह दिया कि वी विल डू इट विदाउट बल्ली नथिंग टू वरी सब सब ऐसे देख रहे थे यार इस बंदे में किस लेवल का कॉन्फिडेंस आ रखा है इस टाइम पे मैंने वो, और वो नहीं हो सकता था वो टास्क बिना बल्ली के नहीं हो सकता था बट मैंने देखा मोला सर मैं आइडिया लगा दूंगा मैं कर दूंगा बिना बल्ली के कर दूंगा वैसा मेरा कमांड टास्क था तो मैं कॉन्फिडेंस अनदर लेवल क्यों था ये कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इसीलिए था मुझे मेरी प्रिपरेशन पे यकीन था मुझे मेरी जो टीचिंग से जो मैंने लक्ष्य में सीखे उस पर यकीन था मुझे खुद पर यकीन था कि मैं कर लूंगा इस वजह से मेरी कॉन्फिडेंस मुझे यार जी टी ओ मैं कन्फर्म हो गया था जी टी मुझे रिकमेंड हो चुका हूँ मैं उसके बाद में इंटरव्यू हुआ इंटरव्यू में भी मेरा पहला ही इंटरव्यू हो गया था थाजी टेस्ट के बाद में ही तो इंटरव्यू भी गुड था कई जगह मुझे पॉइंट आउट किया है इंटरव्यू सर ने इंटरव्यूइंग सर जैसे मैं तीन मैं कई बार जल्दीबाजी में था मैं एक्साइटेड हो चुका था मैं नर्वस नहीं था मैं एक्साइटेड था कि भाई मुझे होना ही होना है क्योंकि मेरा लास्ट अटैम्प्ट था अगर मैं इसके बाद नहीं होता तो मैं एटलीस्ट छः महीने कोई एस नहीं देता क्योंकि मुझे इंप्रूव करना था खुद मुझे पता था मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है लगातार दो कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा हूँ तो इंप्रूवमेंट की जरूरत है मैं एस नहीं देता है महीने तक तो ये था तो इंटरव्यू में इंटरव्यू सर ने मुझे एक फनी बात बता दू आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मुझे पूछा मुझे तीन बार मुझे पॉइंट आउट कर दिया इंटरव्यू सर ने कि पुनीत आर यू हरी एक बार तो उन्होंने पूरा इंटरव्यू रोक दिया मेरा उसके बाद में बोला कि पुनीत तुम किस बात की जल्दी है तुम्हारे कोचिंग का इफेक्ट है कि तुम्हार क्या चीज है तुम क्यों इतनी जल्दी बाजी हूँ क्यों मैं जल्दी मैं बहुत एक्साइटेड हो चुका था कि इस बार बेस्ट देना अपना टू हंड्रेड देना है मेरे को बस इस बार करना है उस चक्कर में कई दो तीन बार मैं सर का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होने दिया उसके पहले आंसर दे दिया तो ये चीज हो रही थी तो सर ने मुझे पॉइंट आउट कर दिया था बट बैक ऑफ द माइंड मेरी ये चीज थी कि मैं यहाँ पे मैंने गड़बड़ की है तो सर ने मुझसे पूछा तुम्हारी वीकनेस क्या है तो वी, वीकनेस बताते टाइम मैंने बताया कि प्रोकास्टनेशन ये ये चीज है और लास्ट से मैंने क्या बोल दिया कि सर समाइम्स आई एम ना हरी तो मैंने वो चीज अपनी एक्सेप्ट कर ली अपनी वीकनेस के अंदर तो ये सामने वाले ने देखा होगा ना इस बंदे को पता है कि क्या कहाँ पे क्या बोला है तो ये चीजें वही है कि आपको अपना पता रहना चाहिए आपने कहाँ पे क्या बोला हुआ है और अपनी आप डीपली इंट्रोस्पेक्ट अगर अपने आप को समझ पाओगे ना आप सुन पा रहे हो जो आप बोल रहे हो तो दैट इज वेल एंड गुड वो आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये चीज़ है तो लास्ट में यही था मेरा एक्सपीरियंस फिर वन टेन बंदे रिपोर्टिंग हुए थे और वन डे टेन में से ट्वेंटी स्क्रीन एन एंड ओनली आई गॉट रिकमेंडेड एंड दिस वाज माय एक्सपीरियंस और लास्ट में यही चीज़ मैं सिर्फ आपको कहना चाहूँगा कि इफ यू बिलीव दैट यू कैन डू इट यू कैन डू इट डोंट लेट एनीबडी टेल यू दैट यू कैन नॉट डू इट यू कैन डू इट इफ यू थिंक यू कैन डू इट इफ़ यू फॉम एयर कोर हार्ट बिलीव दैट यू डिज़र्व दिस पोस्ट यू डिज़र्व टू वी आर ऑल इव ग्रीन दैन यू कैन डू इट Thank you.